हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू डे फ्रेंड्स। दोस्तों आईपीएल 2025 को लेकर नई वीडियो लाया हूं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में बताने वाला हूं टॉप 5 एक्सपेंसिव प्लेयर्स रहने वाले जो कि आईपीएल 2025 की ऑक्शन में, उसकी ये प्रेडिक्शन वीडियो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पाँचवें नंबर पर। तो फिफ्थ नंबर पर मैंने रखा है जी केकेआर के कैप्टन थे, विनिंग कैप्टन थे लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर, जिनको रिलीज़ कर दिया गया है। तो श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा था, मिडिल ऑर्डर के अच्छे बैट्समैन हैं और कप्तानी करना भी जानते, कप्तानी का अच्छा एक्सपीरियंस है, विनिंग कैप्टन थे। तो ये सरप्राइजिंग डिसीजन था, मुझे लगता है कि इनको दिल्ली कैपिटल्स टारगेट करने वाली है सबसे ज़्यादा ऑक्शन में, क्योंकि दिल्ली की तरफ से इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। दिल्ली इनके जहाँ पर इन अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो काफ़ी साल पहले दिल्ली ने 2020 में फाइनल में मुंबई के अगेंस्ट खेला था मैच, तो हालांकि हार गई थी। और दूसरी टीम हो सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स, तो लखनऊ सुपर जायंट्स को भी कैप्टन चाहिए, के राहुल को इन्होंने रिलीज़ कर दिया। मुझे लगता है कि इनको 15 से 18 करोड़ तक पैसे मिलने वाले हैं ऑक्शन में। नेक्स्ट नाम आता चौथे नंबर पर ईशान किशन का, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के। तो ईशान किशन जो कि हैं अच्छे विकेट कीपर, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, मुझे लगता है इन पर आरटीएम कार्ड लगेगा। मुंबई इंडियंस के पास एक आरटीएम कार्ड है, तो ईशान किशन पर वो लगने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मुंबई इनको जाने देने वाली है अपनी टीम से। तो नेक्स्ट नाम जो कि आता है वो आता है सैम करन का, तीसरे नंबर पर। सैम करन का को कैप्टन बनाया गया था पंजाब किंग्स की टीम का, तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी ये रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीज़न है इनको रिलीज़ करने का। तो मुझे लगता है इनको सीएसके आरआरआरसीबी की टीम इनको टारगेट करने वाली है। आरटीएम कार्ड यूज़ अगर ये करते हैं तो एक बड़ा खिलाड़ी जो कि आपको पता है रिलीज़ हुआ है वो इनके हाथ नहीं आएगा, इन पर शायद आरटीएम कार्ड ना लगाए पंजाब किंग्स की टीम। तो 20 से 25 करोड़ तक फिर भी इनकी बोली जाने वाली है। नेक्स्ट दूसरा नाम आता है के आर राहुल का हालाँकि परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था पिछले साल और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा नहीं चल रहा, तो के आर राहुल लेकिन बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, आपको पता ही है, ओपनिंग विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तानी भी ये कर सकते हैं। तो केकेआर आरसीबी और आरआर की टीम इन पर नज़र रखेगी, जहां पर आरआर की टीम ने जोश बटलर को जो कि उनके विकेट कीपर बल्लेबाज थे, हालांकि कैप्टन और विकेट कीपर संजू सैमसन थे, लेकिन फिर भी ओपनर यशस्वी जायसवाल के साथ ये देख सकते हैं और ओपनर एक और देख सकते हैं केकेआर, जो कि कैप्टन भी ढूंढेंगे ऑक्शन में। आरसीबी तो इनको पक्का ही टारगेट करेगी, तो आरसीबी के फैंस ज़्यादातर आरसीबी के फैंस चाह रहे हैं कि ये वापस आ जाए आरसीबी की टीम में और कप्तानी करें, विराट कोहली के साथ ओपनिंग करें। नेक्स्ट नाम आता है नंबर वन जो कि होने वाले हैं ऋषभ पंत, जो कि मुझे लगता है मोस्ट एक्सपेंसिव रहने वाले हैं। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से काफ़ी अच्छा खेले हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका चल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और एज ए विकेट कीपर और कैप्टन इनको देखने वाली टीम है। तो सबसे पहले टीम जो कि मेरे जहन में आती है वो पंजाब किंग्स की टीम है। 70% मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स की टीम इनको लेने वाली है ऑक्शन में, तो बड़े खिलाड़ी होने वाले हैं, ये कैप्टन भी होने वाले पंजाब किंग्स की टीम के। अगर दूसरी इनके जहाँ पर जो कि कंपीट करेगी टीम वो सीएसके की टीम करेगी, हालांकि मुझे लगता है कि मुश्किल होने वाला है इनको कंपीट करना, क्योंकि काफ़ी इन पर बोली लगने वाली, काफ़ी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। तो सीएसके के फैन भी यही चाहते कि ये एमएस धोनी के बाद सीएसके की कमान संभाले। मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स इनको 25 या फिर उससे ज़्यादा करोड़ में खरीदने वाली है। दोस्तों आपको क्या लगता है ऋषभ पंत कौन सी टीम में खेलने वाले हैं आईपीएल 2025 का सीजन? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।